हाय फ्रेंड्स, आप हैं अपने ही चैनल प्लांट केयर एंड टिप्स पे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका करी के पत्ते का पौधा बिल्कुल जंगल जैसा घना हो और उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकलें और बहुत अच्छे से ग्रो करे, तो उसके लिए आपको उसकी पॉटिंग सॉइल पे बहुत ध्यान देना है कि हम किस तरह के उसका पॉटिंग सॉइल बनाएं जिससे कि वो बहुत अच्छे से उसमें ग्रो करे। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमको करी पत्ते के पौधे को कैसे लगाना है। तो इसको आप बीज से भी लगा सकते हैं या इसको आप कहीं से भी प्लांट इसका ला के उसको भी लगा सकते हैं। तो जिस तरह से भी आप इसको लगाना चाहें वैसे लगा सकते हैं। तो ये मैं कहीं से एक प्लांट मिला था मुझे, तो इसको मैं लेके आई हूँ और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जड़ भी बहुत अच्छे से बनी हुई है। तो अब इसके बाद इसके पॉटिंग सॉइल की अगर बात करें हम, तो इसमें हमने लिया है 2 पार्ट गार्डन सॉइल एंड 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट। या इसकी जगह आप गाय का गोबर भी ले सकते हैं या किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाया हो तो वो भी ले सकते हैं। इसमें मैं सैंड नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें सैंड की जरूरत इतनी नहीं है, ये हल्की मॉइस्ट सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है। तो इसलिए, और मेरे यहाँ की जो सैंड मिट्टी है वो कुछ कुछ सैंड उसमें ऑलरेडी है, वो बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी सॉइल चिकनी हो तो आप उसमें 1 पार्ट सैंड का भी मिला लीजिए। अब इसके बाद, जैसा कि हम अपने सभी प्लांट्स में डालते हैं, हमने इसमें कुछ फंगीसाइड डाल लेना है। और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए जो हमने अब एक चीज़ डालनी है जो कि आपके प्लांट की ग्रोथ को आगे के लिए इन्हेंस करेगा, उससे बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ होगी, वो है ये मस्टर्ड केक पाउडर। तो देखिए, आप इसको हम सरसों खली का पाउडर भी कहते हैं। तो आपके पास अगर सरसों खली है तो आप उसको पीस के उसका पाउडर बना के डाल सकते हैं, या आप ये डायरेक्ट सरसों खली का पाउडर खरीद भी सकते हैं और उसमें 1 चम्मच आप इसमें इसके पॉटिंग सॉइल में डाल दीजिए। और इसके बाद इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है। सरसों खली बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रिच होती है, इसलिए ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। अब हमने एक पॉट ले लिया जिसमें कि बहुत सारे ड्रेनेज होल हैं, तो इनको कवर करने के लिए आप या तो कोई पेपर का टुकड़ा रख दीजिए या कोई टिश्यू पेपर, कुछ भी रख सकते हैं, या कई सारे आप पत्थर के टुकड़े भी रख दीजिए। और उसके बाद से आपने इसमें जो अपना पॉटिंग सॉइल बनाया है उसको आप इसमें डाल दीजिए, और करीब 3/4 तक इस सॉइल को डालने के बाद तब फिर हम इसमें प्लांट को रख देखेंगे। अब यहाँ पे एक टूल की हेल्प से आप इसमें एक कुछ स्पेस बना लीजिए जिससे कि एक प्लांट की जो रूट्स हैं वो उसमें आसानी से जा सके। और उसके बाद से जितनी रूट पहले अंदर थी उतनी ही रूट हमने सॉइल के अंदर यहाँ पे डालनी है। तो इसके बाद से इसको अच्छे से आप उसमें एडजस्ट कर लीजिए, और एडजस्ट करने के बाद आपने इसको चारों तरफ से मिट्टी से कवर कर देना है। और कवर करने के बाद आप इसको एक दो बार टैप करके अच्छे से सिक्योर कर दीजिए कि ये प्लांट आपका हिले नहीं लगाने के बाद। उसके बाद जब सब कुछ हो गया तब हम इसमें कुछ पानी डालेंगे, और पानी पहली बार में हमने इसमें बहुत अच्छे से देना है जिससे कि पानी इसके ड्रेनेज होल से बाहर चला जाए। तो अगर पहली बार में भर जाता है तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए और उसके बाद से दोबारा से इस पर पानी डालिए जब तक कि पानी ड्रेनेज होल से बाहर ना आए। तो इस तरह जब एक बार आप कर लेंगे, इसकी पूरी सॉइल जो है वो ऊपर से नीचे तक मॉइस्ट हो जाएगी, तब उसके बाद से आप इसकी वाटरिंग देख कर कीजिएगा, सॉइल जब ड्राई हो तब करना है। इसके बाद दोस्तों, हम इस पॉट को कहीं शेड में 3-4 दिन के लिए रख देंगे। इसको बिल्कुल से डायरेक्ट सन में मत रखिएगा, नहीं तो ये पौधा आपका मर जाएगा पॉट। इसलिए इसको शेड में रखिए और 4-5 दिन बाद आप सेमी शेड में इसको बाहर ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप अपने किसी भी करी पौधे के प्लांट को लगाएंगे तो वो मुरझाएगा भी नहीं, मरेगा भी नहीं और अच्छे से ग्रो करेगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।